Hi Rishabh, start your blog number 15 on the sunny day April 21st. So hey guys, welcome back to our YouTube channel once again. So guys, आखिरकार 8 से 10 दिन के बाद मैं फिर से आपके सामने आ ही गया जो कि आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा एक तरह से. सो गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं वर्कआउट कर रहा था, तो आई वॉज रियली वर्किंग आउट इन दीज 8 to 10 days. बस जो मैं वर्कआउट करता था अबाउट 8 से 10 बजे तक के बीच में करता था. तो ऐसा कुछ था सीन. ओ सो गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन मैं कराना भूल गया आप लोगों का. तो जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में देखा, एक नई लेडी असिस्टेंट मुझे मिली है इस लॉकडाउन के समय में, जिनका नाम लीसा है. तो आज से जो मेरा इंट्रोडक्शन का कारोबार है वो वही संभालेंगी. जैसा कि आपने पहले देखा इंट्रोडक्शन में, तो आज से सारा इंट्रोडक्शन मेरी लीसा करेंगी. हाय लीसा. हाय ऋषभ. सो लीसा, व्हाट इज द टाइम गोइंग ऑन नाउ? इट्स 9:22 AM. सो गाइज, अपने व्लॉग को मैं थोड़ा सा ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत कुछ चेंजिंग किया हूँ इस जो मैंने 10 दिन का जो गैप दिया था इसमें. तो गाइज, व्लॉग को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ कदम उठाए हैं, ठोस कदम उठाए हैं, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा जान के. सो 3 ऐसे स्टेप हैं जो मैंने उठाए हैं. तो सबसे पहला है कि जो भी मेरे वीडियो पे फर्स्ट 3 कमेंटर्स होंगे, जो भी मेरे अभी जाके सबसे पहले जो 3 कमेंट करेंगे वीडियो अपलोड होने के बाद, उनके कमेंट को फीचर किया जाएगा अगले वीडियो में. मतलब कि अगले वीडियो में उनका 3 कमेंट फीचर होगा, उनको दिखाया जाएगा. तो गाइस, दूसरा ये है कि मैं अपने हर एक ब्लॉग में आपको एक या दो स्टेटमेंट दूंगा और आपको बताना है कि वो सही है कि गलत है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ या फिर सही बोल रहा हूँ. और इसका फायदा आपको ये होगा कि जो जो सही जवाब देंगे उनको मैं इंस्टाग्राम पे फीचर करूंगा. मेरा अबाउट इंस्टाग्राम पे हवा चल रहा है जो अंदर आए. तो सो गाइज, मेरा अभी इंस्टाग्राम पे अबाउट यूट्यूब से ज़्यादा फॉलोवर है. यूट्यूब पे मेरे अभी 700 सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे मेरे 894 फॉलोवर्स हैं. सो इंस्टाग्राम पे गाइज मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो उनको इंस्टाग्राम पे फीचर किया जाएगा. लेकिन आपका जो कंटेंट है उसको देखा जाएगा कि आप क्या पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे. सो इसलिए गाइज, जाओ आप डिस्क्रिप्शन में और जाके वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक पे जाओ और जाके मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो करो. और फॉलो करने के बाद आपको स्टोरी में मुझे मेंशन करो जाके, बहुत कुछ फायदा होने वाला है आपको इंस्टाग्राम पे. सो जाओ जल्दी जाके करो यार. और गाइज, तीसरा जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले ब्लॉग में मोस्ट प्रोबेबली, या फिर उसके आगे वाले ब्लॉग में. तो अभी तो स्टार्ट हुआ है ब्लॉगिंग, तो 8 से 10 दिन तक लगातार जो मेरा ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको पिछले 8 से 10 दिन वाला जो चीजें हैं आपको बताते रहूंगा. लीसा. यस ऋषभ. समय कितना हो गया? इट्स 1 PM. इतना बच गया. सो गाइस, अभी नहा मैं रेडी हो चुका हूँ. अब रेडी जो हुआ हूँ मैं, वो सोने के लिए रेडी हुआ हूँ, क्योंकि अभी कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन है. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. सो गाइज, अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. अबाउट 14 को आया था अनाउंसमेंट कि लॉकडाउन का छोटा भाई लॉकडाउन 2.0 आने वाला है. तो गाइज, उस समय मेरा रिएक्शन यही था कि वाह मोदी जी, वाह वाह वाह. बिल्कुल भाई, मैं बहुत स्टक हो गया था. मेरा जो फोन चोरी हो गया, तो उसके बाद उम्मीद जो मेरा था ब्लॉगिंग करने का, वो था कि मैं नया फोन खरीदूंगा और तब ब्लॉगिंग करूंगा. तो गाइज, ये जो लॉकडाउन का छोटा भाई लॉकडाउन 2.0 जो आ गया, इसके कारण मैं फोन तो खरीद नहीं पाया. और जो मैं फिर जिस फोन से मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो मेरे पिताश्री का फोन है. तो उसमें मैं सेकंड स्पेस बना के और वहाँ पे ब्लॉगिंग करके अपना फाइल सेव करके एडिट कर रहा हूँ. इसलिए आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरा ब्लॉगिंग 2 दिन बाद आएगा, मतलब 23 को आएगा. आई विल ट्राई दैट कि कल ही आ जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है. सो इस लॉकडाउन में मेरा एक बहुत याद खराब हो गया है कि मैं चाय बहुत पीने लगा हूँ आजकल. फिर अभी चाय पीने का मन कर रहा है, तो किचन में आया हूँ, अभी चाय बनाते हैं, पीते हैं पहले. लीसा, मैं जा रहा हूँ टीवी देखने, तुम इन लोगों को बताओ सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए. ओके ऋषभ. सो गाइस, फर्स्ट लाइक दिस वीडियो, कमेंट इफ यू लाइक माय वर्क, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय बॉस चैनल ऋषभ पिथौर फॉर नेक्स्ट लेवल व्लॉगिंग. सो गाइस, अभी मैं छत पे जा रहा हूँ, वहाँ पे टाइम लैप्स वीडियो बनाएंगे. आज बाद में बहुत अच्छा आया है, अभी जा रहा हूँ टाइम लैप्स वीडियो बनाने, उसको ऐड करूंगा इसमें, उसके बाद ब्लॉग को जल्दी खत्म करेंगे उसका.
आज जो मैं स्टेटमेंट आपको देने वाला था वो ये था कि ये जो मैंने टाइम लैप्स वीडियो बनाया है ये आज बनाया है या फिर कल बनाया है, आपको इसको बताना है। सो गाइस मेरा स्टेटमेंट ये है कि मैंने जो टाइम लैप्स आपको अभी दिखाया है वो मैंने आज बनाया है, आपको बताना है ये बात सही है या फिर गलत है। तो जो सही बताएगा उनको इंस्टाग्राम पे फीचर किया जाएगा। कमेंट जाके जल्दी करिए और इंस्टाग्राम पे फीचर हो जाइए। सो गाइस ब्लॉग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं बनाना चाहता नहीं हूँ। और एक बात पूछना था आप लोगों से कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये बात को भी आप जाके कमेंट में बता दीजिए कि डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि डेली सब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो अगर डेली ब्लॉग मैं बनाऊँगा भी तो मैं 7 से 8 मिनट का ब्लॉग बनाऊँगा, उससे ज़्यादा देर का नहीं बनाऊँगा। सो जाके कमेंट करिए गाइज, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपसे पूछना था मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लिसा, यस ऋषभ, डू योर वर्क। ओके सर, लाइक दिस वीडियो गाइज, गिव द आंसर ऑफ द स्टेटमेंट इन कमेंट सेक्शन। Guys, see you in the next vlog of Rishav. Nilisa thanks you for watching the video.